हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज क्या होता है, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, यूनिट एंड वैद्युत धारा मतलब करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत आवेश, क्योंकि जो आवेश होता है वह हर चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे वो हमारी करंट हो चाहे हमारा पोटेंशियल हो। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में गिल्बर्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में ही आकर्षण का गुण नहीं होता है। इसके पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है, ये यूनानी वैज्ञानिक थे, लगभग 600 ईसा पूर्व के थे। तो इन्होंने जब मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी ऊनी या रेशमी वस्त्र से रगड़ा तो उन्होंने क्या देखा कि जब रगड़ा तो वो क्या करता था, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, ठीक है। एम्बर, एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो एम्बर को जब उन्होंने रेशमी वस्त्र से रगड़ा तो वो क्या करता था, मतलब अपनी ओर वस्तुओं को, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके बाद 16वीं शताब्दी में गिल्बर्ट साहब आए तो उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन में ही आकर्षण का गुण नहीं होता है, बल्कि जब हम लोग किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, चार्ज का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब एक वस्तु के चार्ज दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जैसे कांच, आनबोज, गंधक इत्यादि को रगड़ने से होता है, ठीक है। अब आवेश की परफेक्ट डिफिनेशन, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उस वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब आवेश वह गुण है जिससे क्या होती है, वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसे हम लोग उस वस्तु के पास जाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इस वस्तु में क्या है, आवेश है, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या होते हैं, पहला मेथड होता है चालन द्वारा, दूसरा घर्षण द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा, ठीक है। तो चालन द्वारा देखो क्या होता है, जब किसी क्योंकि चालन द्वारा इस जब मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक आवेशित चीज़ होती है, एक अनावेशित होती है। तो जब हम अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के साथ स्पर्श कराते हैं चालन द्वारा ना, तो चालन मतलब चालक, तो मतलब जब हम लोग आवेशित चालक को अनावेशित चालक के साथ स्पर्श कराते हैं तो उसमें क्या होता है, तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब घर्षण द्वारा, घर्षण मतलब घिसना, हम लोग जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण वस्तुओं पर विपरीत प्रकार के आवेश आ जाते हैं। तीसरा प्रेरण द्वारा, प्रेरण मतलब इंडक्शन, ठीक है, मतलब जब हम दोनों मतलब एक आवेशित चालक और एक अनावेशित चालक को पास पास रखते हैं तो वो प्रेरण द्वारा होता है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर सेम चार्ज होते हैं मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो दोनों रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, एंड अगर विपरीत चार्ज होंगे प्लस या माइनस होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं करंट क्या होती है, वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है हमारा ये कूलाम होता है, ठीक है, याद रखना, पूछा भी जाता है कि वैद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कूलाम। अब हम लोग करंट क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं, देखिए वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब आप सभी लोगों के घर में कोई ना कोई कंडक्टर होता है, जो हमारे घर में वायर लगे होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर एक मेटल की वस्तु होती है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे जो चीज़ हो, ठीक है, और उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, मतलब चालक पदार्थ लगा होता है, तो वह हमारा पूरा चालक होता है। तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा, मतलब कोई चालक है कोई वायर है, अगर उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है तो मतलब उसमें क्या फ्लो आ रही, करंट फ्लो आ रही। फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्या होता है आवेश होता है, एंड टी क्या है
समय है। तो क्यू का मात्रक कूलम, अभी मैंने अभी जस्ट सेकंड पहले बताया, ठीक है, एंड टी सेकंड हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे टी को क्या कर दें, वन कर दें, टी को हम लोग वन कर दें, वन सेकंड कर दें, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आई इक्वल टू, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वन रखेंगे तो क्यू अपन वन इक्वल टू क्यू हो जाएगा, तो आई का मान क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिफिनेशन यहाँ से बन जाती है कि यदि हम लोग एक सेकेंड में किसी चालक में अगर एक सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा, देखो जब एक सेकंड कर दिया तो उसमें तो क्यू आवेश ही प्रवाहित हो रहा ना, तो जब हम लोग किसी चालक में एक सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वह क्या करंट होगी, ठीक है। यदि किसी चालक में एकांक समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो उसे वैद्युत धारा कहते हैं, या और टी मतलब होता है दर, ठीक है, टी मतलब दर होता है। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, क्योंकि जो आवेश होगा वो वायर में फ्लो करेगा मतलब प्रवाहित होगा, तो किसी चालक में वैद्युत आवेश तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कूलम और सेकेंड। एम्पियर देखो सबसे मेन हमारा होता है यही एम्पियर, उसके बाद कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई वायर है और उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और इसमें हमें क्या बताना है, धारा की दिशा, तो क्या होगा, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तो धारा की दिशा भी उधर ही होती है। मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर मूव कर रहा है, देखो इधर मूव कर रहा है, तो धारा की दिशा भी किधर होगी, इधर ही होगी, जिधर मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा करंट भी उसी दिशा में जाएगी, ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर में, मान लो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो जो धारा की दिशा होगी वो नेगेटिव चार्ज के उल्टा होगी। मतलब अगर हमारा नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो धारा हमारी इसके विपरीत उल्टा जाएगी, ठीक, ओके। अब एक एम्पियर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होती है, ठीक है। एक एम्पियर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है और एक कूलम आवेश क्या होता है, तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होती है। बस इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होता है, आई स्क्वायर टू क्यू अपॉन टी। देखो चूँकि आई इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन टी, अब कह रहा एक एम्पियर, तो एक एम्पियर में हम सबको क्या करना होगा, सब क्यू को भी एक कर देना होगा, टी को भी एक कर देना होगा। अगर हम लोग क्यू इक्वल टू वन एंड टी इक्वल टू वन सेकेंड कर दें, और देखो यूनिट लिखना मत भूलना नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक कूलम, क्यू इक्वल टू वन, टी इक्वल टू वन, तो यह फॉर्मूला रखो, आई इक्वल टू क्यू का मान वन एंड टी का मान वन, ये कूलम हो गया, एक कूलम, ये एक सेकेंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड क्या होता है, एक कूलम पर सेकेंड एम्पियर होता है, ठीक है। ये देखो आई इक्वल टू एक एम्पियर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन देखो कैसे बनाएंगे। जब किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित करंट एक एम्पियर होती है, ठीक। जब किसी कंडक्टिंग वायर में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसको हम लोग एक एम्पियर करंट कहते हैं। जब हम लोगों ने एक एम्पियर पढ़ लिया, अब इसके बाद देखते हैं एक कूलम, एक कूलम भी सेम उसी फॉर्मूले से निकलेगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो अब हमें एक कूलम, कूलम मतलब आवेश होता है, तो हम लोग यहाँ से आवेश का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग टी को इधर भेज देंगे, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग आई को एक एम्पियर और टी को एक सेकेंड कर देंगे, आई को एक एम्पियर और टी को एक सेकेंड कर देंगे, तो जो हमारा आवेश होगा, मतलब देखो यहाँ पे रखो क्यू इक्वल टू वन एम्पियर इंटू वन सेकेंड, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू वन एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, कूलम होता है, तो एक कूलम हो गया। तो डेफिनेशन, जब किसी चालक में एक सेकेंड में एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसे एक कूलम आवेश कहते हैं या एक कूलम कहते हैं, ठीक।
एक कूलम इक्वल टू होता है 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एक फार्मूला आवेश का और होता है क्यू इक्वल टू एन ई, जो एन होता है हमारा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रखना बहुत बार पूछी जाती हैं। मैंने तो पढ़ा दिया, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो मैं नहीं जानता हूँ। चलिए, ये इतना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें प्लीज़। आप लोगों का फुल्ली सपोर्ट चाहिए मुझे। धन्यवाद, थैंक यू।